दोहरे कत्ल की एक और वारदात मैलारे पल्ली इलाके में पेश आई, जहां फुटपाथ पर महवे खाब दो अफराद का किसी ने कत्ल कर दिया। फौरी मौसूला इतलात के मुताबिक ये अफराद मैलारे पल्ली के काटे धन दुर्गानगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे थे कि बाज नामालूम अफराद ने उन दोनों पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मकामी अफराद ने उनकी आज सुबह खून में लथपथ नाशों को देखकर पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने सिलसिले में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। इसी तरह चादरघाट इलाके में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साल यूसुफ नामी नौजवान का चादरघाट इलाके में दिन दहाड़े मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में अक्रम और शोएब मुलविस बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस आसपास नसब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके। कत्ल की एक और वारदात सिकंदराबाद के बोयिनपल्ली में पेश आई। बच्चा गोद लेने के मसले पर हुए झगड़े के बाद शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाली बीना की शादी लक्ष्मण से 29 साल कबल हुई थी। ये जोड़ा फ्रेंड्स कॉलोनी में मुकीम था। ये जोड़ा लावलद है और बच्चा गोद लेने के मसले पर शोहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। इसी मसले पर कल हुए झगड़े के बाद शोहर ने केबल वायर से गला घोंट कर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम शोहर को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। దర్యాప్త వేగంగా జరుగుతున్నది. డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాం. దీంట్లో నేరస్తులు ప్రాథమికంగా ఐడెంటిఫై చేసినాం. వాళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకుంటాం. కేసు వెనుక ఉన్న కారణాలను కూడా మేము దర్యాప్తు తేలుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ల్యాండ్ అడర్ ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. ఇక్కడ పోలీసు ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడ తీపించినాం. ఆల్రెడీ బాడీని చెక్ చేసినాం. దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. మోటివ్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది.